हम बात कर रहे हैं स्पाइस जेट की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक जो है फिलहाल 1% के अपसाइड के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 60.38 रुपीज़ पर हमको फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट दिखाई थी स्टॉक ने और 48 के लेवल से बाउंस बैक हुआ है। तो इस बाउंस बैक के साथ हम देख सकते हैं यहाँ हमको हायर हाई पैटर्न के साथ स्टॉक रिकवरी बताता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में भी रिकवरी है और स्पाइस जेट भी अपने अप ट्रेंड में है। यहाँ से स्टॉक हमको और तेज़ी दिखा सकता है, इसके पूरे पूरे चांस बनते नज़र आ रहे हैं। और इसका चार्ट पैटर्न भी हमको यही बता रहा है, हायर है। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ इस वक्त ट्रेड हो रहा है, 60 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से स्टॉक ने गिरावट के साथ बाउंस बैक किया है, 57 का लेवल। और स्टॉक जब तक अपने इस लो के ऊपर है, बड़ी गिरावट इसमें नज़र आना मुश्किल है। यहाँ से स्टॉक अगर बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट जो टारगेट और रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने गिरावट दिखाई, 63-64 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर स्टॉक 64 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है 2-3 दिन, तो वैसे कंडीशन में क्लियर कट फिर अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा स्पाइस जेट में। फिर यहाँ से स्पाइस जेट हमको बड़ी उड़ान भरता हुआ नज़र आ सकता है। स्पाइस जेट अपनी उड़ान यहाँ से हमको दिखा सकता है 64 पर सस्टेन होने के बाद। फिर अगला टारगेट हमको 68 और 70 से लेके 72 तक का भी टारगेट हमको स्पाइस जेट में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।